हाय फ्रेंड्स, सर्वाइकल पेन सीरीज के थर्ड एपिसोड में आज हम आपको बताएंगे सर्वाइकल कॉलर कब पहना जाता है और कैसे पहना जाता है, ताकि जब भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत हो तो इसकी रिकवरी को फास्ट किया जा सके। हमारी क्लिनिक पर एक पेशेंट आई थी, उनको गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द था और चक्कर उनको बहुत ज़्यादा आ रहा था। जैसे ही हमने उनको कॉलर लगाने की सलाह दी और उन्होंने कॉलर को लगाया तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द में भी आराम मिला और उनको चक्कर आना बंद हो गया। आप खुद सुन लीजिए। जब मैं आई थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे चक्कर आते थे, तकलीफ होती थी, लेकिन कॉलर बोन पहनने से अब मुझे पहले से काफी आराम है और मुझे अब दर्द में भी काफी कमी है। तो सर्वाइकल कॉलर कितनी देर तक पहनना होता है और कैसे आप अपने गर्दन की नाप लेकर मार्केट से एक सर्वाइकल कॉलर खरीद सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कई तरीके के कॉलर अवेलेबल हैं। तो मैं डॉक्टर जिशान अली, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोवैदिक फिजियोथेरेपी क्लिनिक, राजेंद्र नगर, लखनऊ। तो सर्वाइकल कॉलर का वर्क क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत आजकल बहुत कॉमन हो गई है। पहले के समय में ये दिक्कत इक्का दुक्का या बुजुर्गों में देखी जाती थी, लेकिन डेस्क जॉब की वजह से और गलत पोस्चर की वजह से और एक पोजीशन में बहुत देर देर तक बैठे रहने की वजह से ये दिक्कत यंगस्टर में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। जब गर्दन बहुत ज़्यादा स्टिफ हो, गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो, ये चीज़ पूरा अकड़ा अकड़ा लगे और हाथों में झंझनाहट हो रही हो, उल्टी जैसा महसूस हो, चक्कर आ रहा हो, तब डॉक्टर्स या फिजियोथेरेपिस्ट सर्वाइकल कॉलर लगाने की सलाह देते हैं। सर्वाइकल कॉलर कई तरीके के आते हैं, तीन चार तरह के होते हैं, लेकिन आज हम सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर की ही बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली यही इस्तेमाल किया जाता है। ये गर्दन को पूरी तरह इमोबिलाइज तो नहीं करता, लेकिन ये अच्छा खासा गर्दन की मांसपेशियों को रेस्ट दे देता है, जिससे पेशेंट को आराम मिल जाता है। अब हम बात करते हैं सर्वाइकल कॉलर लगाने के फायदे क्या क्या होते हैं। तो जब भी आप इसको गर्दन में लगाते हैं तो ये गर्दन की मांसपेशियों को होल्ड करके उनको रेस्ट प्रोवाइड करती है और ये डिस्क पे पड़ने वाले दबाव को कम कर देती है, जिससे जो हाथों में झंझनाहट हो रही है या चक्कर आ रहा है उनमें आराम मिल जाता है और रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी आप कार चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं तो ये जर्किंग मूवमेंट से बचाता है, क्योंकि जर्किंग मूवमेंट भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का एक मेन कारण है। तीसरा, जब भी आप पैदल चल रहे हैं या मार्केट एरिया में चल रहे हैं तो वहाँ पे लोग आपको टच करने से, आपको धक्का देने से बचेंगे। और चौथा, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको ये बार बार ध्यान दिला देगा कि आपके गर्दन में प्रॉब्लम है, आपको गर्दन का एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं करना है और आगे झुकने का कोई काम नहीं करना है, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मेन कारण होता है। कई लोगों का सवाल ये होता है कि इसको कब तक पहनना चाहिए। तो आप इसको 10 से 15 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करिए। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की राय लेकर इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप लेटिए तो कॉलर उतार कर ही लेटिए। अगर आप सीधे सो रहे हैं तो तकिया मोटी लगेगी, अगर आप करवट से लेट रहे हैं तो तकिया इतनी मोटी हो कि आपके गर्दन और कंधे का गैप फिल हो जाए। तीसरा, इसको आप सुबह से शाम तक या कंटिन्यू बिल्कुल भी ना लगाइए, हर एक से दो घंटे पे आप इसको उतार दीजिए और प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करिए, क्योंकि एक्सरसाइज अगर आप नहीं करेंगे तो जो गर्दन की मांसपेशियां हैं उनमें वीकनेस आने की, कमजोरी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको बीच बीच में एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज कैसे करनी है इसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपका डेस्क जॉब है या महिलाएं बहुत देर तक किचन में काम करती हैं या बहुत से लोग ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मोटरसाइकिल पे चलते हैं या कार पे चलते हैं, तब कॉलर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके नुकसान की। तो जब तक आपको गर्दन में दर्द है या चक्कर आ रहा है तब तक आप इसको लगाइए, जब आपको दिक्कत ना हो तो आप इसको बिल्कुल भी मत लगाइए, सिर्फ एक्सरसाइज ही करिए। कई लोगों को ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी होती है, जब तक वो इसको लगाए हैं तब तक उनको आराम रहता है, जब इसको लगाना छोड़ देते हैं तब उनको दिक्कत फिर से शुरू हो जाती है। तो ये पेशेंट की एक साइकोलॉजिकल होता है। तो आप गर्दन की इस तरह नाप ले लीजिए और अपने साइज का ही कॉलर खरीदिए। मार्केट में स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल साइज के कॉलर अवेलेबल हैं। आप एक अच्छी क्वालिटी का सर्वाइकल कॉलर खरीदिए। अच्छी क्वालिटी का सर्वाइकल कॉलर खरीदने से फायदा ये होगा कि ये अच्छा ग्रिप और अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और स्किन में इरिटेशन नहीं होगी और ये बिल्कुल गर्दन में फिट हो जाता है,
लोकल कॉलर की तुलना में। तो ये हमारे पास सॉफ्ट कॉलर है, ये अच्छी क्वालिटी का है और कॉटन मिक्स है, और इसमें 3 होल भी हैं ताकि वेंटिलेशन भी मिल सके, कोई स्किन में इरिटेशन ना हो। इसका ये जो कर्व वाला हिस्सा है ये हमारी चिन पे लगेगा, और ये जो नीचे है ये हमारी चेस्ट पे लगेगा। इसको आप ऐसे लगा लीजिए। आपको ध्यान ये रखना है कि गर्दन इसमें न्यूट्रल पोजीशन में रहे। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा टाइट बांध लेंगे तो गर्दन में स्वेलिंग आ जाएगी, और अगर ढीला बांधेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। आप साइड से भी देख लीजिए, अगर आप इस तरह बांधते हैं तो डिस्क पे दबाव पड़ेगा जिससे नर्व कंप्रेस और ज़्यादा होगी, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर आप इस तरह बांधते हैं कि गर्दन आपकी झुकी है तो मांसपेशियों पे दबाव पड़ेगा जिससे और ज़्यादा दर्द बढ़ेगा। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बांधिए, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज हो। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आपको इसको धोना हो तो आप इसको वॉशिंग मशीन में मत धोइए, इसको हाथ से ही धुलिए, तब इसकी लाइफ बनी रहेगी। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन सर्वाइकल कॉलर से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे टेल बोन में दर्द क्यों होता है और इसको आप घर पर कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए या कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।